संजय गांधी अस्पताल रीवा में अब शाम को भी खुलेगा आउटडोर, कमिश्नर रीवा ने लिखा पत्र। अभी हाल ही में समाज सेवी बीके माला ने संजय गांधी अस्पताल का आउटडोर शाम को खोले जाने की मांग को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर कार्यवाही करते हुए रीवा कमिश्नर ने श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता को पत्र लिखकर शाम के समय भी आउटडोर खोले जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए दूसरे दिन का इंतजार नहीं करना पड़े। हमारे द्वारा माननीय आयुक्त रीवा संभाग रीवा को एक ज्ञापन पत्र दिया गया था। उस ज्ञापन पत्र में हमने उल्लेख किया था कि समूचे भारत में सभी जिला चिकित्सालय शाम को आउटडोर खुलते हैं, परंतु रीवा ही एक ऐसा जिला है जहां संजय गांधी में आउटडोर शाम को नहीं खुलता। यदि सुबह मरीज डॉक्टर को दिखाते हैं, आउटडोर में दिखाते हैं, तो शाम को उनके जांच के उपरांत उनकी जांच का जो रिपोर्ट है वो मिलनी चाहिए, परंतु संजय गांधी में आउटडोर शाम को नहीं खुलता है, जिससे मरीज अपने उपचार व अपनी रिपोर्ट नहीं दिखा सकते हैं। हमारा मानना है और हमने माननीय आयुक्त महोदय से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि हजारों की तादाद में रीवा संभाग की जो जनमानस है वो संजय गांधी में आती है। एक बड़ा आधुनिक तकनीकी से युक्त, ये संसाधनों से युक्त ये संजय गांधी अस्पताल है और इसमें उपचार होते हैं, परंतु यदि आउटडोर खुलेगा तो शाम को वह मरीज अपने रिपोर्ट कार्ड दिखा सकेंगे ताकि उनका सही समय पर उपचार होने लगेगा। तो आयुक्त महोदय से जो निवेदन किया, आयुक्त महोदय ने अधिष्ठाता श्याम साह चिकित्सालय महाविद्यालय रीवा को ये शासक का पत्र जारी किया है, जनहित में उन्होंने उल्लेख किया कि बीके माला ने मांग की है और अब आयुक्त महोदय के आदेश पर कार्रवाई होगी।